परिवर्तन यात्रा का आज चुरू में दूसरा दिन है, जिसके तहत रतनगढ़ और सरदार शहर में यात्रा रहेगी। यात्रा को लेकर सुबह सालासर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कस्वां, कैलाश चौधरी, सीआर चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता कौशल ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। परिवर्तन यात्रा का दूसरा दिन चुरू में है, हमारे साथ है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, करते हैं उनसे चर्चा। राठौड़ साहब, दूसरा दिन है, किस तरह से लेते हैं, किस तरह की भीड़ आ रही है? ना भूतो ना भविष्यत, ऐसा स्वागत मैंने कभी किसी यात्रा का देखा नहीं। जनता उमड़ गमड़ कर आ रही है और अभी तो आप देखो आगे आगे होता है क्या। एक महीने के बाद जब आचार संहिता के बंधन से जनता मुक्त हो जाएगी, जनता सड़क से इनको निपटेगी। कांग्रेस का इस जिले में इस बार प्रचार पर निकलना ही दुर्भर हो जाएगा। सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दे ही मुद्दे हैं, चाहे बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, लूट और झूठ का मुद्दा हो, ये मुद्दे ही मुद्दे हैं जिनके कारण से जनता त्रस्त है। जनता से जो वादा किया था, किसान से जो वादा किया था, नौजवान से जो वादा किया था, वो न केवल दूरदर्शित हो गए बल्कि उनके अरमानों को कुचलने वाली ये सरकार है। इस सरकार को कुचलने के लिए जनता का बुलडोजर तैयार है। सर, दो दिन की हड़ताल चलेगी डीलर्स एसोसिएशन की, उसको लेकर क्या? ये दुर्भाग्य है कि पेट्रोल पंप बंद रहे और सरकार अपने वादे से मुकर जाए, इसलिए पेट्रोल पंप एसोसिएशन को हड़ताल में जाना पड़े। सरकार ने क्यों मुद्दा वादा किया था कि हम GST के दायरे में लेकर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी में जितना वेट था उससे 10% ज़्यादा पेट्रोल में और 12% ज़्यादा डीजल में बढ़ाने वाली ये सरकार कुकर्मी सरकार है। ये सरकार के कारण से ये हो रहा है। अंतिम सवाल, भरत सिंह जी ने मुंडन करवाया है, उसको लेकर ये पहला उदाहरण है जब एक वरिष्ठ विधायक मुंडन करा के अपने बाल इसलिए भेंट करें कि ईमान मर गया, इसलिए ईमान के तर्पण के लिए मैं मेरे बाल भेज रहा हूँ, उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिनका कहना है कि परिवर्तन यात्रा को लेकर पहुंचे हैं और परिवर्तन होगा। सच बेधड़क के लिए कौशल शर्मा चूरू से।